भाई बहन सब करना। कामात गोप्यः भयात् कंसो, श्रीमद् भागवत कहती है भय से कंस पा गया और काम से गोपियां पा गई, क्योंकि काम कृष्ण के प्रति था और कंस का भय भी कृष्ण से था। ऐरू गैरू नत्थु खैरू से नहीं डरता था वो, भय भी हो तो कृष्ण से। और काम भी, गोपियां कहती हैं मुझे कृष्ण पति के रूप में चाहिए। यद्यपि पति शब्द से मैं आपको फिर से एक बार परिचित करा दूं, पति शब्द हस्बैंड के लिए नहीं आता, दूल्हे के लिए नहीं आता। संस्कृत में पाति इति पति, जो समर्थवान व्यक्ति तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हो, जो तुम्हारी रक्षा कर सके, उसको पति कहते हैं। इसलिए परम पति सदा वही ईश्वर है। और जब कभी कहते हैं, अपने गुरुदेव के लिए भी गाते हैं, प्राणपति हे प्राणों के पति, हे ज्ञानपति, हाँ पति, पति शब्द दूल्हे के लिए बना ही नहीं, हस्बैंड के लिए बना ही नहीं। हमारा तो पूरी संस्कृति चली गई, हमारे शब्दों के साथ खेल हो गए, व्याकरणों के साथ खेल हो गए, संस्कृति के साथ खेल हो गया। ये इंग्लिश वाले न हिंदी जाने न इंग्लिश जाने, इन्होंने पूरी संस्कृति का बस बंटाधार कर दिया। हाय हेलो इधर उधर, ये वो, एक भी शब्द का अर्थ नहीं जानते, किसी का संधि विच्छेद नहीं जानते, उन शब्दों की गरिमा को गिरा दिया। केवल हिंदी बोलना आज के बच्चों के लिए इतना कठिन हो गया भारतवर्ष में, इससे बड़ा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकता है। तुम्हारे सारे शास्त्र, तुम्हारे भागवत, तुम्हारे वेद, वेदांत, सिद्धांत, पुराण, जीवन की सारी सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ये सब संस्कृत में, और तुम्हारे बच्चे हिंदी तक नहीं जानते। मैकोले ने सच कहा था कि होने दो इनको आजाद, पर मानसिक रूप से ये सदा हमारे अधीन रहेंगे। हो गए तुम शिकार, चढ़ गए, भेंट चढ़ गए उनकी। और तुम्हारा जरा ये तो सोचो, एक साधारण से हमारे पंडित जी बैठे हैं, वो भी बच्चे को इंग्लिश पढ़ा के कहते हैं गुरुजी इंग्लिश में इससे पोएट सुनिए, पोएम सुनिए। तो महाराज तुम तो कब से कम संस्कृत सुना देते, तुम भी उससे पोएम, बाबा ब्लैक सीप और जॉनी जॉनी यस पप्पा लिटिल सुगल नो पप्पा ढप्पा ढप्पा ढप्पा। इंग्लिश जानना बुरी बात नहीं है, पर तो ये तो यही बात हो गई कि अपनी मां को घर में खाने को नहीं देते, जिससे जन्म लिया उसको तकलीफें देते हो, अब मोहल्ले में आंटी आंटी करते घूम रहे हैं। आप तो माँ जैसी है मेरी आंटी, तेरी माँ कहाँ गई। संस्कृत तुम्हारी माँ है, भारतीय संस्कृति तुम्हारी माँ है, अपनी माँ को छोड़ दी। आंटी की सेवा करो, कोई बुरी बात नहीं है, इंग्लिश की थोड़ी बहुत सेवा करो। हालांकि ये भी लोगों को मालूम नहीं, बोलते हैं कि ग्लोबल लैंग्वेज है, केवल 10 कंट्री में बोली जाती है, ओनली 10 कंट्रीज, वो पहले 7 ही था, 3 और बड़े, 150 से 200 देश, 8-10 में, उससे ज्यादा देशों में तो बहुत सारी भाषाएं और बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाएं, तो ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है। अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी रीजनल भाषा, कर्नाटका में हो तो कन्नड़ पक्का आवे तुमको, हाँ भैया राजस्थान में हो तो अपनी राजस्थानी भाषा पक्की होनी चाहिए, हम ब्रज में हैं तो हमारा ब्रज एकदम कंप्लीट होना चाहिए, ब्रज भाषा। उस अपने लोकल भाषा को लेते हुए, हिंदी को लेते हुए, और संस्कृत तो सबकी जननी है, उसको निश्चित ही, और अब हो रहा है, गुरुकुल का समय आ रहा है, धीरे धीरे पीढ़ियां बदलेंगी, सब अच्छा होगा।